अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि सब इंजीनियर में 160 प्लस कैसे स्कोर करें। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है और जिसमें 3453 पोस्ट की वैकेंसी है और सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि 200 मार्क का होता है, 200 मार्क में 160 मार्क स्कोर कैसे करें और इतने कम समय में, इसके लिए आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है और इसमें कैसे पढ़ना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो में बने रहना है। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। पहले सब इंजीनियर एग्ज़ाम में जो प्रिपरेशन करते समय कौन कौन सी मिस्टेक होती है उनको हम बताएंगे। उसके बाद तो जैसे कि इग्नोरेंस द इम्पॉर्टेंट एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो कि इंग्लिश और एप्टीट्यूड सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं। नेवर इग्नोर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिस सब्जेक्ट आर यू फाइंड दिस क्रूशियल इन एट द एंड। तो जो कि इंग्लिश टॉपिक होता है, सब इंजीनियर सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है, नॉन तो दो सब्जेक्ट होती हैं, जैसे कि 200 मार्क का पेपर होता है, 100 टेक्निकल होता है और 100 नॉन टेक्निकल होता है। पहली चीज़ जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में होती है, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसके अलावा एप्टीट्यूड हो गया। ठीक, तो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और उसके बाद जनरल अवेयरनेस, तो ये सब टॉपिक के होते हैं जो नॉन टेक में होती है, और जो कि टेक्निकल होता है जो कि आपका स्पेशलाइजेशन होता है। तो कुछ सब्जेक्टों को जैसे इग्नोर कर देना, जैसे कि एप्टीट्यूड को, इंग्लिश को इग्नोर कर देना, जैसे कि आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी मिस्टेक कौन सी होती है कि गिव लेस नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, जैसे कि मॉक टेस्ट होता है वो बहुत सी कम स्टूडेंट देते हैं, उनसे एक्चुअल एनालिज प्रिपरेशन का पता नहीं चलता, वो अनडायरेक्शनल होकर पढ़ते हैं, जो टॉपिक आता ही नहीं है। साथ ही अपने स्पीड एक्यूरेसी इन सब चीज़ों का पता नहीं चलता। दूसरी चीज़ स्पीड और एक्यूरेसी का पता नहीं चलता, साथ ही अनडायरेक्शनल होकर बस पढ़ते रह जाते हैं। तीसरी मिस्टेक जो होती है, डोंट गिव मोर टाइम टू रिवीजन फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को रिवीजन नहीं करते बल्कि लगातार कंटिन्यू वे में पढ़ते ही रह जाते हैं, जिससे उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे वे में नहीं हो पाती है। तो ड्यू टू लेक ऑफ रिवीजन एंड फाउंड टू टॉपिक इन डिफिकल्ट इवन थ्रू आई वाज कंसीडर दी टॉपिक ईजी सम टाइम एगो, जो टॉपिक आसान लगता है उसको भी वो रिविजन नहीं करते, जिनसे वो एग्जामिनेशन हाल में उन्हें डिफिकल्ट हो जाता है। फिर अगली मिस्टेक होती है कि डोंट गो थ्रू द कंसेप्ट पर नहीं जाते, बल्कि वो फार्मूला बेस या इन सब चीज़ों पर जाकर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे उनका नुकसान ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आई गेव फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ओनली, और फोकस जो कि एक दो सब्जेक्टों पर ही देते हैं, उसी को बार बार पढ़ते रहते हैं, जिनसे उनका बाकी सब्जेक्टों का, जैसे कि 200 मार्क है इसमें हर सब्जेक्टों का जो सेक्शन है, डिवाइडेशन है, वो सब्जेक्ट छूट जाता है। जैसे कि रीड इन प्रैक्टिस टॉपिक इन आल्सो, हमेशा बार बार एक ही टॉपिक को वो रीड करते हैं और उन्हीं पर पढ़ते हैं, जिससे और बाकी रिमेनिंग टॉपिक जो कि छूट जाते हैं, जिससे उनके सिलेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। जैसे कि व्यापक सब इंजीनियर एग्जाम होता है जिसमें दो स्पेशलाइजेशन होते हैं, 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल। तो जैसे कि हिंदी होता है, उसके बाद जनरल इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और बेसिक कंप्यूटर, जिसमें क्वेश्चन बैरी करते हैं 14 to 60 मार्क तक एक सब्जेक्ट से बैरी करते हैं नॉन टेक में। तो इन हर टॉपिकों को पढ़ना होगा। जैसे कि हमारा टारगेट है कि जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट में आप अगर 85 कर देते हैं, उसके अलावा नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में 85 कर दें, तो आपका 170 हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, जैसे कि हिंदी है तो इसमें हिंदी जो कि 14 नंबर का आएगा। ठीक, तो हिंदी में आपको टारगेट रखना है कि कैसे कितना सही करें, तो कम से कम 12 सही करके आना है। उसके अलावा इंग्लिश में 14 में मान लीजिए कि 10 सही करके आते हैं, मैथ में 14 में 12 सही करके आते हैं, साइंस में जो 14 में 12 करके सही आते हैं। तो इस तरह से हर सेक्शन में 12 के एवरेज में अगर करते हैं तब आपका बहुत ही अच्छा स्कोर जाएगा। और जैसे कंप्यूटर सब्जेक्ट हैं जो काफ़ी ईजी रहते हैं, तो इनमें आप 14 में 40 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ओवरऑल नॉन टेक्निकल में 85 तक लाते हैं, उसके अलावा टेक्निकल में आप 85 तक भी लाते हैं, तो 170 तक आपका पहुंच जाएगा इसको, जो कि आपको हर टॉपिक पूरा ओवरऑल सिलेबस नहीं देखना, बल्कि आपको उस सेक्शन में अच्छा करना है। जैसे कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में आपका टारगेट होना चाहिए कि 40 क्वेश्चन में जो कि 12 मार्क लाना ही है। उसी तरह हर सेक्शन में, जैसे टेक्निकल का जो पढ़ रहे हैं 100 मार्क, तो 100 मार्क में आपको 100 लाना ही पड़ेगा।
उसके अलावा EMP सब इंजीनियर एग्जाम में मैथ का सिलेबस क्या होता है? तो मैथ का सिलेबस जैसे कि अर्थमेटिक होता है, उसके बाद क्लॉक कैलेंडर होता है, लॉजिकल वेन डायग्राम होता है, डाटा सफिशिएंसी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी एंड सिलेबस इज नॉट वेरी टफ एंड मोस्टली फोकस ऑन द कंसेप्ट ऑलरेडी स्टडी ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन। तो कंसेप्ट कठिन नहीं होते, जो हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़े हैं उन्हीं पर फोकस होकर पढ़ना है। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में आया था कि आई हैव कम्प्लीटेड EMP सब इंजीनियर सिलेबस इन 3 मंथ। तो 3 मंथ में कैसे कंप्लीट करें? तो इसके लिए जो कि आपको पूरा नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको जीरो से नहीं शुरू करना, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आता भी है। तो आपको सोचिए कि आपको लाना है 170 नंबर। तो ऐसा नहीं है कि आपका जीरो है, मतलब आप अगर ऐसे भी टेस्ट देंगे तो 80-85 नंबर तक ला देंगे, ठीक। तो आपको इस गैप को फिल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। जैसे सपोज कीजिए, जैसे कि ये लाइन है, ठीक। तो यहाँ पे जीरो होता है, दूसरा जो 80 है, और दूसरा जो कि 100 है, और तीसरा जो कि 170 है। तो इस तरह से आपको एक एक लेवल पर बढ़ाना है। जैसे कि जीरो से आपको 170 पहुंचना है, उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए कि 80 से 100 पहुंचाएं, फिर इस तरह से आपको टारगेट अचीव करना है। जैसे कि आपको एक बेसिक लेवल पर, जैसे कि आप पहले दिन टेस्ट सीरीज दीजिए, जैसे कि आपको सपोज कीजिए कि 20-25 मार्क आ रहा है, ठीक, 20-30 मार्क आ रहा है। उसके बाद अगले दिन टेस्ट सीरीज दीजिए, अगला एक वीक का टारगेट रखिए जिसमें आपको 15 या 20 मार्क इंक्रीज करना है। तो 20 मार्क इंक्रीज करने के लिए अगला टारगेट 50 का होना चाहिए, फिर अगला टारगेट जो कि आपका टारगेट होना चाहिए कि 70 लाएँ, फिर इस तरह से 70, फिर 90, फिर 100, फिर इस तरह से आपको हर रोज़, हर मतलब एक वीक में एक 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 गैप को कंप्लीट करना होगा। जैसे कि आपको 20-20 मार्क कम बढ़ाना होगा। तो 20 मार्क बढ़ेंगे कैसे? तो जैसे कि आप उस टॉपिक को पढ़िए, आप टेस्ट सीरीज में नोटिस कीजिए कि कौन से टॉपिक जो कि जिसके क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, तो उन टॉपिकों को आप ध्यान से पढ़ते रहिए। उस तरह से आप कंटिन्यू वे में एक एक स्टेप वाइज जो कि अपने मार्क को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम कंटिन्यू वे प्रिपरेशन करें तो सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि 3 मंथ से में हम कंप्लीट कर सकते हैं। और टॉपिकों को सबको एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे करके आराम से पढ़ते हुए चलना है। उसके बाद जो कि सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है कि सब इंजीनियर सिलेबस में जनरल नॉलेज कहाँ से करें, तो इस टॉपिक के लिए जो कि हमारे खुद यूट्यूब चैनल पर जो कि 89 वीडियो जो कि ऑलरेडी नॉन टेक की जो कि पड़ी हुई हैं, और जो कि हर टॉपिक को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके वो भी सब इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए ही बनी हुई हैं। तो उन सभी टॉपिकों को, उसमें करेंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल जियोग्राफी है, EMP स्पेसिफिक है, और सारे टॉपिकों को डिटेल में जो कि मैक्सिमम एडवांटेज के साथ एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही व्हाट इज़ द EMP सब इंजीनियर सिलेबस इन इंग्लिश, तो EMP सब इंजीनियर का सिलेबस क्या है? तो जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बाद सिनोनिम्स, एंटीनोम्स और एक्टिव पैसिव, जो कि कैंडिडेट जो कि नॉर्मल सेक्शन में स्कोर अच्छे कर सकते हैं। तो ये जो कि इंग्लिश का सेक्शन है। उसके बाद सबसे बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होता है कि SSC JEE और MP सब इंजीनियर में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जो कि है कि MP सब इंजीनियर व्यापक सिलेबस आर सिमिलर इन SSC JEE सिलेबस, हाउएवर दे आर नॉट इन सेम, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। क्या सेम नहीं है? तो बोथ आर एग्जाम हेल्ड इन द 3 ब्रांचेज इन इंजीनियरिंग, हाउएवर पेपर 1 इन बोथ इन बिट डिफरेंट, वेयर जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग आर सिमिलर इन बोथ। जनरल नॉलेज और जो रीजनिंग होता है सेम होता है, बट MP सम व्यापक सिलेबस आल्सो इंक्लूड इन जनरल हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर स्किल। मतलब जो MP सब इंजीनियर का होता है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर जो कि एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं। उसके अलावा टेक्निकल में जो सब्जेक्टें होती है सेम, हाउएवर बट डिफ़िकल्टी लेवल आर वेरी। जो सब इंजीनियर के सब्जेक्टें होती हैं उनकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम रहती है, उनमें कंसेप्चुअल पॉइंट पूछे जाते हैं, जबकि SSC में थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। उसके अलावा हिंदी में जैसे टॉपिक हैं गद्यांश, पद्यांश, मुहावरे, लोकोक्ति, इन सब टॉपिकों को हम पढ़ लेंगे जो कि आप सिलेबस में जानते ही हैं। दूसरा जैसे कि GS में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये टॉपिक आते हैं। फिर थर्ड जो कि GS में आता है करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जियोग्राफी, MP इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री इन इंडियन वर्ल्ड। उसके बाद
मैथमेटिक्स में डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम एज, एवरेज, मेंसुरेशन, रेशियो प्रोपोर्शनल, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, नंबर सीरीज, पाइप एंड क्रिस्टन एंड परसेंटेज। तो ये मैथमेटिक के टॉपिक हो गए। उसी तरह हम कंप्यूटर के देख लेते हैं, तो एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर हार्डवेयर, बेसिक सिक्योरिटी कंसेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट नेटवर्क, बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग एंड शॉर्टकट की एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये जो टॉपिक है ये कंप्यूटर में इस तरह से पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन आते हैं, 14 से 16 क्वेश्चन, जो कि सब इंजीनियर में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट में 14 तक पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल कैसे अचीव करना है 160 मार्क, तो 160 मार्क अचीव करने के लिए सिंपल सा तरीका है, जो कि सबसे पहले आप सेक्शन को दो पार्टों में डिवाइड कीजिए, जो कि सेक्शन ऑलरेडी डिवाइडेड है, 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल, ठीक। और टेक्निकल में टारगेट क्या रखना है, तो टेक्निकल में टारगेट 85 का रखना है, नॉन टेक्निकल में भी 85 रखना है, ठीक। उसके बाद जो नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, इन सब टॉपिकों में पर हेड 12 क्वेश्चन जो कि सही करना है। और उसके अलावा टेक्निकल में जो सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट को भी कंटिन्यू में पढ़ना है। तो इनको कैसे अच्छा करेंगे, जैसे कि 12-12 मार्क कैसे अच्छा करेंगे, तो इसके लिए आपको तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको हर वीडियो का पता चलता रहे और हर टेक्निक का एक्सप्लेनेशन मिलता रहे, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आपको अपना खुद का लेवल यानी मॉक टेस्ट देना है, जिसमें आपको पहले दिन खुद का एनालिसिस करना है, ग्राफ बनाना है। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपको पहले दिन 50 मार्क आ रहे हैं, ठीक, जो कि सपोज कीजिए कि आपको 27 अप्रैल को, फिर उसके बाद आपको अगले दिन जो कि 5 मई को अपना टारगेट रखना है, 5 मई तक आपको कितना पहुंचाना है, तो 5 मई को आपको टारगेट रखना है कि हमें 70 तक पहुंचाना है। इस तरह से फिर 10 मई को टारगेट रखना है, 10 मई तक जाते जाते आपको कितना पहुंचाना है, तो 90 पहुंचाना है। ऐसे ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप हमें एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए अपना टारगेट को 160 तक पहुंचाना है। और कैसे पहुंचाना है, तो इस तरह से आपको पहुंचाना है। उसके अलावा जैसे कि कैसे हमें तो पहला क्वेश्चन आएगा कि 50 से 70 के बीच में हम कैसे पता करें कि कौन सा टॉपिक नहीं आता है। तो इसके लिए जैसे कि 50 से 70 के बीच में आप टेस्ट सीरीज देंगे, टेस्ट सीरीज में जो बिग टॉपिक होगा उसको एनालिसिस करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कि एम पी जी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो एम पी जी के पढ़ेंगे, उसके अलावा उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, जिससे कि आपको 20 मार्क पड़ेगा। वैसे ही छोटे छोटे जैसे कि आप काउंट करेंगे, जैसे कि मैथ में 14 क्वेश्चन में से 5 ही सही हो रहे हैं, तो आप मैथ के टारगेट को बढ़ाएंगे, मैथ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, फिर मैथ में 14 क्वेश्चन से फिर 10 पर लाएंगे, फिर 10 से 12 पर लाएंगे, इस तरह से आपको बढ़ाते हुए चलना है। तो इस तरह से अगर आप कंटिन्यू में प्रिपरेशन करते हैं, तो 160 आना काफ़ी ईजी और आसान तरीके से ला सकते हैं। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर अच्छी वीडियो का पता चलता रहे, और हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ हम मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।